हैप्पी दशहरा टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। कभी ना कभी ये दिन आना ही था। डर लगने की बात ही नहीं है तो पता ही था आपको। कुछ नहीं दिख रहा आपको। आज नीर को लेके जाना है आई स्पेशलिस्ट पे और मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट है, तो प्रे करके नीर तो चल पड़ा था क्योंकि इसको काफी डर लग रहा था आज नंबर बढ़ने का। आज दशहरा था तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड थी, तो सुबह सुबह के ही हमें अपॉइंटमेंट मिल गई। और यहाँ पहुँचते ही नीर की हालत हो गई थी ख़राब। स्क्रीन टाइम की हमने लिमिट लगा रखी और इस बार ही नीर को अच्छे से पता है कि इसने वो लिमिट क्रॉस करी थी, तो नंबर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो गाइस मेरा नंबर बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने बोल दिया क्लियरली कि स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रखो। पर मेरे जो 3 दिन की घंटे गेम है वो तो खेलूंगा। क्या ही सीखा आपने वहाँ जाके? तो वो तो आपने डील कर रखी है, वो तो डील कैंसिल हो जाती है जब डॉक्टर के पास होके आते हैं। तो कोविड टाइम्स के बाद से बच्चों को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, लैपटॉप गेम्स, हम तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। अगर आपके घर का भी यही हाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप क्या करते हैं इससे बच्चों को बचाने के लिए। खैर आए हॉस्पिटल में, लग गए थे अराउंड 2 आवर्स और अब लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम सीधा रुक गए सुनील चाट भंडार जो बिल्कुल पास में ही था और फेमस है पनीर वाले कुलचे छोले के लिए। ये यहाँ का फेमस आउटलेट है और यहाँ पे कुलचे मिलते हैं बहुत ही पतले जिसके ऊपर पनीर ग्रेटेड होता है, साथ ही में छोले और उसके ऊपर फ्राइड आलू। ये शॉप है गाजियाबाद में और अगर आपको कभी मौका मिले ये खाने का तो ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें काफ़ी पसंद आए। आज का हमारा दिन था भागम भाग वाला। वापस घर पहुँचे, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर सीधा चल पड़े नीर के लिए स्पेक्स बनवाने। और आजकल बच्चों को कोई भी चीज़ दिलाना बहुत इजी जॉब नहीं है, इवन स्पेक्स को लेके भी इतने सारे फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं और बच्चों की चॉइसेस भी अपनी होती हैं। कितने ही सारे फ्रेम्स ट्राई करने के बाद एक या दो फ्रेम नीर को पसंद आए जो हमने फटाफट कर लिए थे शॉर्ट लिस्ट। लेने तो 2 ही फ्रेम्स थे लेकिन उसके बाद भी नीर लगा हुआ था डिफरेंट तरीके के फ्रेम्स ट्राई करने में। ज़्यादातर हम स्पेक्स लेंस कार्ड से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1+1 का ऑफर रहता है तो काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट काम हमारा हुआ ख़त्म, क्या स्पेक्स तो आएंगे 2-3 दिन के बाद। और यहाँ से हम सीधा चले गए थे गुरुजी के आश्रम छतरपुर रोड। और आज क्योंकि दशहरा था हमें यही लग रहा था बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला है, लेकिन सरप्राइजिंगली हमें बिल्कुल भी जाम नहीं मिला। जनरली 2 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में लेकिन आज हम पहुँच गए थे 1.25 घंटे में। तो बहुत ही अच्छे से हुए दर्शन और सीधा हम चल पड़े वापसी घर की तरफ। घर पहुंचे तो दशहरे की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई थी, यहाँ पे भी रावण रेडी था जलने के लिए। लेकिन थोड़ी देर में बच्चों का क्रेज़ ओवर हो गया था, नीर का तो बिल्कुल ही क्रेज़ ख़त्म हो गया था रावण को जलता हुआ देखने का, क्योंकि रावण यहाँ पे जला था बहुत ही लेट 11:30-12 बजे के आसपास और उससे पहले ही हमारा सोने का टाइम हो जाता है। खैर दशहरा मेला में भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इतनी देर तक रात तक वेट करना लग रहा था बहुत ही टाइम वेस्ट। तो खैर ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।